हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट टफेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो कि आप रफ एंड टफ टाइप की डॉग ब्रीड होगी, जनरली हेल्दी रहेगी, आपको बिल्कुल भी डॉक्टर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की डॉग ब्रीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने इंडियन डॉग ब्रीड भी डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती, और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली डॉग ब्रीड है वो है बुली कुत्ता डॉग ब्रीड। बुली कुत्ता डॉग ब्रीड एक इंडियन डॉग ब्रीड है और काफ़ी पुरानी डॉग ब्रीड है, बहुत टाइम से इस्तेमाल करी जाने वाली डॉग ब्रीड है। लेकिन ये डॉग ब्रीड को स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप इसे छोटी जगह पर ना रखें। अगर आप इस डॉग ब्रीड को छोटे स्पेस में रखते हो, कहने का मतलब है अगर इस डॉग को प्रॉपर स्पेस ना मिल पाए तो ये थोड़ा बहुत एग्रेशन शो कर सकती है, लेकिन जनरली ये फैमिली के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहती है। अगर आपका फार्म हाउस है या फिर आपके गांव साइड में ज़मीन बड़ी है जिधर आप डॉग को रखना चाहते हो गार्डिंग पर्पज से, या फिर इस तरीके की डॉग ब्रीड जिसे देख के लोग घर में घुसे ही ना, तो उस पर्पज से बुली कुत्ता आपके लिए एक अच्छी चॉइस साबित होगी। अगली डॉग ब्रीड है जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड। जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में हर कोई जानता हुआ, काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ टाइप की डॉग ब्रीड है, जिसके चलते मिलिट्री पुलिस फोर्स इस डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। ये डॉग ब्रीड जनरली हेल्दी रहती है, इनके अंदर आपको हेल्थ इशू काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवर ब्रीडिंग के चलते इस डॉग ब्रीड में अब कुछ आपको हेल्थ इशू देखने को मिल सकते हैं। तो आप कोशिश ये करना, जिस भी ब्रीडर से ले रहे हो तो वहाँ पर जाके आप मदर फादर को प्रॉपर चेक कर सकते हो कि मदर फादर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते बच्चे में आ सकती है। तो आप इस तरीके से चेकअप कर सकते हो और मदर फादर देख के ही पपी लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगली डॉग ब्रीड है वो है पिटबुल डॉग ब्रीड। पिटबुल डॉग ब्रीड लीन रहने वाली डॉग ब्रीड है, मतलब अमेरिकन बुली की तरह ज़्यादा मस्कुलर नहीं रहती है, ऑल टाइम लीन रहती है। इनकी आपको कटिंग दिखती रहेगी, मसल प्रॉपर वर्क करती हुई, काफ़ी ज़्यादा इनकी डाइट भी नॉर्मली होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज पसंद करती है डॉग ब्रीड। अगर आप इसे प्रॉपर एक्सरसाइज दे सकते हो तो आप इसे अपार्टमेंट में भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दे सकते तो कोशिश ये करना कि आप इसे अपार्टमेंट में ना रखो। फिर ये बड़े जगह के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है, गार्डिंग काम बखूबी कर लेती है, बड़ी से बड़ी फेंसिंग टाप जाएगी है, तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप पिटबुल टाइप के डॉग ब्रीड रख रहे हो तो उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम सोशलाइज कराओ घर वालों के साथ, बाहर के डॉग्स कैट इन तरीके के साथ प्रॉपर घुलने मिलने का टाइम दो, पूरे टाइम बांध के ना रखो। अगली डॉग ब्रीड है काने कोर्सो डॉग ब्रीड। काने कोर्सो डॉग ब्रीड के बारे में हर कोई जानता होगा, एक हंटिंग डॉग ब्रीड है। इनकी बाइट फोर्स 800 PSI प्लस होती है, जिसके चलते ये डॉग ब्रीड अगर किसी को काट ले तो उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर सकती है। ये डॉग ब्रीड जनरली तो शांत रहती है, लेकिन अगर ये गार्डिंग का काम कर रही हो तो कोशिश ये करना कि आप उस प्रॉपर्टी में घुसो ना, वरना ये अच्छा खासा डैमेज दे सकती है। ये डॉग ब्रीड को मोस्टली लोग गांव साइड में पसंद करते हैं, पंजाब साइड में, जहाँ पे कि उनके पास स्पेस होता है, क्योंकि इस डॉग ब्रीड को स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इन्हें छोटी जगह पे रखोगे जिसके चलते एग्रेशन में आ सकती है। ये इंडिपेंडेंट डॉग ब्रीड होती है, मतलब अगर इन्हें खतरा महसूस हो रहा है तो ये खुद से एक्शन ले लेती है, आपके इशारे या आपके ऑर्डर का वेट नहीं करती, तो जिसके चलते आपको एक कॉन्फिडेंट ओनर होने की ज़रूरत होती है। अगली डॉग ब्रीड है डोगो अर्जेंटिनो डॉग ब्रीड। ईजिली रखी जाने वाली डॉग ब्रीड है, लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड है, जनरली हेल्दी रहती है, लेकिन हाँ 10 में से एक बच्चे के साथ इनके अंदर बहरेपन की आपको शिकायत हो सकती है। सबको इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ सकता है कि भाई आप जो पपी ले रहे हो जनरली हेल्दी है नहीं है, और कई बार ही आपका पपी बचपन में तो हेल्दी होता है लेकिन वो ईयर क्रॉपिंग के बाद उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है डेफनेस की, जिसके चलते आपको फिर आप ब्रीडर को ब्लेम करते हो, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो आपको पहले से खुद से देखना होगा कि आपका पपी हेल्दी है नहीं है, जिसके चलते आपको कोई पागल ना बना सके और आप एक अच्छा डॉग घर में लेके जाओ। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है गद्दी डॉग ब्रीड। गद्दी डॉग ब्रीड एक इंडियन डॉग ब्रीड है जो कि ठंडे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पसंद करी जाती है, जहाँ पे मोस्टली लोग इसे गार्डिंग पर्पज से रखते हैं। ये डॉग ब्रीड दिन के टाइम तो मोस्टली सोना पसंद करती है, लेकिन रात होते ही ये अपने गार्डिंग का काम शुरू कर देती है। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है और इन्हें घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, जिसके चलते अगर आप इन्हें शहरों में रखते हो और अगर आप इन्हें घुमाने के लिए सक्षम नहीं हो तो ये डॉग ब्रीड एग्रेसिव हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने डॉग को टाइम टू टाइम वॉक पे लेके जाओ, प्रॉपर सोशलाइज कराने की जरूरत होती है गद्दी को, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है, जल्दी जल्दी चीज़ें सीख जाएगी। अगली डॉग ब्रीड है बॉर्बेल डॉग ब्रीड। ये डॉग ब्रीड बीच के टाइम में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और दोबारा इस डॉग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी लोग इस डॉग ब्रीड को पसंद करते हैं। ये डॉग ब्रीड दिखने में काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट टाइप की, मतलब हम कह सकते हैं हैवी टाइप की डॉग ब्रीड होती है, जिसके चलते जिन लोगों का शौक होते हैं कि भाई हमें अमेरिकन बुली केन कोर्सो देख चुके, थोड़ी अलग टाइप के डॉग ब्रीड जो इनसे ज़्यादा हैवी हो, बॉर्बेल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इनका कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है मार्केट में।
डिपेंड करते हैं कि कौन सी लाइन का ले रहे हो, जिसके हिसाब से उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि उसकी कॉस्ट कितनी जा सकती है। बाकी ये डॉग ब्रीड जनरली अच्छे तरीके से रहती है। ट्रेनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर आपने आज से पहले जर्मन शेफर्ड या फिर रॉटवाइलर इस तरीके की डॉग ब्रीड रखी हो, तो उस टाइम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगली डॉग ब्रीड हमारी देसी डॉग ब्रीड। ये डॉग ब्रीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड रहती है और कम हेल्थ इशू होते हैं इनके अंदर। आप इन्हें घर के खाने पे इजीली रख सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ पे रख सकते हो। ये डॉग ब्रीड रफ एंड टफ टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं, चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने देते। घूमना फिरना इन्हें भी पसंद होता है, अगर आप वॉक पे जाने के शौकीन हो तो आप इन्हें साथ में ले जा सकते हो। ज़्यादा केयर नहीं मांगते, हेल्थ इशू कम होते हैं, आपको इनके स्किन की ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगली डॉग ब्रीड है डोबरमैन। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे डोबरमैन प्लस अगर मैं कह सकता हूँ रॉटवाइलर, ये दोनों भी डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है। अगर आप डोबरमैन की तरफ जाना चाहते हो डोबरमैन की तरफ से जाओ, रॉटवाइलर की तरफ जाना चाहते हो रॉटवाइलर की तरफ चले जाओ। दोनों ही डॉग ब्रीड आपके लिए अच्छी रहेंगी। रफ एंड टफ टाइप की डॉग ब्रीड है दोनों की दोनों, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम इनके सोशलाइजेशन में देना पड़ेगा क्योंकि इनके करेक्टरिस्टिक्स लगभग लगभग सेम है। लेकिन मैं अगर आपको दोनों में बताऊं बच्चों के साथ रखने के लिए, तो वहाँ पे रॉटवाइलर एक अच्छी चॉइस आप लोगों के लिए ज़्यादा साबित होगी, क्योंकि डोबरमैन में कई केसेस देखने को मिले हैं जिसमें वो बच्चों के लिए थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। अदरवाइज़ डोबरमैन भी अगर आप बचपन से रखते हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के पास डोबरमैन है या रॉटवाइलर है। अगली डॉग ब्रीड या फिर हम कह सकते हैं लास्ट डॉग ब्रीड है राजा पल्लम डॉग ब्रीड। राजा पल्लम डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पसंद करी जाने वाली डॉग ब्रीड है इंडिया में, साउथ साइड के अंदर। गार्डिंग पर्पज से ले लो, हर चीज़ में अल्टीमेट रहती है ये। आप इसे इजीली रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाने में इनके नखरे बिल्कुल भी नहीं होते, घर के खाने पर ईजिली रह लेते हैं और साथ में इनकी मेंटेनेंस भी लो होती है। ग्रूमिंग में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। बहुत अच्छे गार्ड डॉग ब्रीड होती है ये, वॉच डॉग का भी काम ईजिली कर लेते हैं और आपका मन लगा के रखेंगे, उछल कूद भी करते रहते हैं और काफ़ी ईजिली ट्रेंड भी हो जाते हैं, जिसके चलते मोस्टली साउथ साइड में लोग आपको राजा पल्लम पालते हुए दिखेंगे तो बाकी और डॉग ब्रीड के मुकाबले। राजा पल्लम डॉग ब्रीड एक अच्छी डॉग ब्रीड है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा। अगर हो सके तो कोशिश ये करना कि आप इंडियन डॉग ब्रीड की तरफ जाओ, और अगर आप इंडियन डॉग ब्रीड अडॉप्ट करते हो जैसे कि मैं देसी कुत्ता, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि उस डॉग को भी घर मिल जाता है। उस टाइम आप अपने डॉग को घर में ले आने से पहले प्रॉपर सोच लो कि आपको एक बड़े साइज़ का डॉग चाहिए या छोटे साइज़ का, तो आप उस हिसाब से डॉग को ला सकते हो। ये थी आज की वीडियो, होप करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों।